मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। खूब समझ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? शीरा बनते हैं ना ये चार चार पेट वाला हो जाता है। क्या 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 भूलने के बहाने में और शीरा चाहिए था। क्या कर रहे हो आप लोग? हो गया ना आप लोग के बैद जी का इलाज, अब मैं पूरा चेकअप करवाऊंगी अजुबा का भी और आपका भी। मैंने शीरा थोड़ी मंगा है जी। क्या कहा तूने? तूने क्या कहा? मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। तू मेरी बात सुन। पहले बात सुन। जब तू फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी तब तुम्हारी टीचर ने एक शिकायत की थी, तू अगले लाइन में बैठ के अंगूठा चूसती थी, ठीक है? नहीं मुझे बताओ ना। अभी सुनने दो। मोटी जाली मालूम है, मोटी हो गई मालूम है मुझे। अभी दूसरी बात सुन। जब हमारे पड़ोसी थे ना उदय बाबू, उनकी शादी में तूने क्या किया था पता है? तू उसकी दूल्हे के गोद में जाके बैठ के उसकी शेरवानी गिली की थी। की थी कि नहीं? जानो तो इनको जानो, जानो बूढ़ी को जानो, जानो तो बूढ़ी को जानो, बूढ़ी को जानो, जानो जानो। क्या क्या करना करवाए ये बुड्ढा, इसके जगत जीवन में संभाल जरा। नरक में आना पड़ा, तरह तरह खून पट्टी, ये ऊपर से ये नाक सड़ाने वाली फिनाइल की बदबू। चलिए विकास, विकास मैं सिर्फ 5 मिनट रखूंगी। लो बस लगाना पड़ेगा, मैं भी लगा। क्यों जरा सोच, अगर माने तो ये चोट देख ली और अगर उनको पता चल गया नहीं चोट कैसे लगी तो हमारी खैर नहीं भाई। और मुंह खोलिए, और मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, आ आ मुंह खोलिए, आ आ। तब से आ कराया जा रहा है? नहीं तो अकबर की औलाद है और ना ही मैं तानसेन की, जो मैं यहाँ बैठकर आ का राग अलापती रहूं। बस मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर माता जी चल आपके छाती का एक्सरे निकालना पड़ेगा। आप एक्सरे रूम में चले जाइए, वहाँ कपड़े उतार के गाउन पहनिएगा, फिर गाउन पहन क्या 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 बोला क्या बोला? हाँ कपड़े उतारो। ये इस अस्पताल का मालिक कहाँ जी? बुला 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 मामा, उससे पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा अस्पताल इन औरतों का इलाज ये मर्द क्यों कर रहा है? बुला बुला। अरे माता जी मेरी बात समझिए। अरे मर गई तेरी माता जी, मुझे नहीं करानी है एक्सरे उसे। बस समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर, औरत की उम्र में फर्क नहीं करती। ज्ञान को दे उस मला। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बोल रही है, एक्सरे निकलवा लीजिए। अच्छी क्या कर रही हो? अरे मार गिरी मेरे को, अरे आप कुछ बोलिए नहीं इसको। ये तो पुरानी रिपोर्ट है जी। इनके डेली एक्टिविटीज के बारे में मुझे जरा डिटेल्स में बताएंगे प्लीज? एक्टिविटीज? या एक्सक्यूज मी, ये उनकी अभी की रिपोर्ट है। एक्चुअली डॉक्टर कल रात अजुबा खाना खाने के बाद भूल गए कि उन्होंने खाना खाया था। कहने लगे कि खाना नहीं दिया आप लोगों ने मुझे। एक्चुअली अजुबा एयरफोर्स में थे और अभी भी कभी कभी ऐसे बिहेव करते जैसे ऑन ड्यूटी हूँ, और कभी कभी तो काफ़ी उटपटांग हरकतें करते हैं डॉक्टर। समझ नहीं आता कि क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आई मीन कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, कोई टेंशन? उन्हें भूलने की बीमारी है जी। जी काफ़ी बार भूल जाते हैं अजुबा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? उसे मेडिकल टर्म्स में हम डिमेंशिया कहते हैं, जो कि इनके केस में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर साहब ये सॉरी अब इसका कोई इलाज तो होगा? वक्त के साथ ये डिमेंशिया बढ़ता ही जाएगा, लेकिन हम दवा की हेल्प से उनके भूलने की स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं।
बाय द वे, हमें दवाइयाँ शुरू करने से पहले प्रॉपर न्यूरो टेस्ट करने होंगे और उस टेस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक हम दवाइयों के डोज डिसाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, ये टेस्ट में खर्चा कितना लगेगा? तकरीबन 75,000। और अगर आप लोग अभी पेमेंट कराते हैं तो हम टेस्ट के लिए रेडी हो सकते हैं, नहीं तो। डॉक्टर साहब सुनिए सुनिए सुनिए, डॉक्टर साहब आप प्लीज टेस्ट की तैयारी शुरू करिए, मैं पैसा डिपॉजिट करता हूँ। चलो, थैंक यू। पचहत्तर हजार रुपए? अभी के अभी आप 75,000 रुपए कहां से लेकर आएंगे? तू चिंता मत कर, मैं करूंगा ना इंतजाम। अंजलि, हमारे लिए इस घर की खुशी और उनकी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। चिंता मत कर, मैं कर लूंगा पैसों का इंतजाम। काय नहीं? हाँ पापा, चला आजी बुला रही आपको। अंजलि, तू बाबा के पास रुक, मैं आता हूँ। ये ले, श्रद्धा आ जा। हाँ अरे कुछ 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 नहीं हुआ है मुझे, बस तू बता बाबा का क्या हुआ, क्या बोला डॉक्टर ने? एक मिनट आई, बात करने देना। अच्छा डॉक्टर, कोई परहेज वगैरह के लिए? विकास बोलना, बाबा को क्या हुआ? विकास, विकास, विकास बोलना, विकास, विकास। एक मिनट, एक मिनट, आप प्लीज इसीलिए मत, बैंडेज अप्लाई नहीं कर सकते इस पे। एक्चुअली कोई मार्क या बैंडेज दिखनी नहीं चाहिए। सिनेरिता, आप मेकअप तो अप्लाई करती होंगी ना? मेकअप? यस। तो आप इस पे कुछ मेकअप अप्लाई कर सकती है जिससे कि वो छिप जाए। देखिए आप प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। एक मिनट, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। भाई भाई, क्या हुआ, क्या हुआ? दू भाभी जी, भाई हॉस्पिटल आना सफल हो गया। ये हॉस्पिटल कश्मीर के रोज गार्डन में कन्वर्ट होने वाला है, आपका इंतजार खत्म। भाई आज तो आपका टाकअप फड़ा के रहूंगा मैं भाभी जी के साथ, देखना। रोज गार्डन हॉस्पिटल, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा दू। अरे मेरे अनाड़ी भाई, बस आप इस खिलाड़ी की बात को मानते जाओ, फिर देखना चमत्कार। आप जल्दी से जाकर ब्यूटीफुल फ्लावर्स लेकर आ जाओ, फिर मैं आपको देता हूँ रोमांस के 101 टिप्स। अभी लेकर आता हूँ मैं, तू भी चलना मेरे साथ। चलो भाई। विकास, विकास भाई, तू क्या कर रही है? अंदर तूने बात बदल दी, मैं तेरी आई हूं, सब समझती हूं। मेरी आंखों में देख के बोल, बाबा को क्या हुआ है? क्या बोला डॉक्टर ने? आई आई तू तू मेरे पास बैठ, आ जा।
भाई वो बाबा को डिमेंशिया डायग्नोस हुआ है, मतलब बाबा को भूलने की बीमारी है। डॉक्टर ने और भी टेस्ट करने के लिए बोला है और कहा है कि जब टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा तो आगे इलाज चालू करेंगे। अरे ये बुढ़ापे का लक्षण है, तभी तो मैं यहां लाना नहीं जा रही थी। इसके लिए डॉक्टर ने कितना खर्चा बोला? तू उसकी तू क्यों चिंता करती है? अरे बोलना। अरे मैं कर दूंगा आई, तू टेंशन मत लेना। विकास बोलना, कितना बोला है खर्चा? डॉक्टर ने 75,000 रुपए बोला है। कैसे करेगा तू? मैं करूंगा, तू चिंता मत कराई। अरे कैसे करेगा, इतना बड़ा थैला उठा उठा के दफ्तर दफ्तर दवाइयां बेचता है, ना खाने की सूद ना पीने की, ऊपर से ये नई मुसीबत। वाह, और कितनी परीक्षा लेगा रे मेरे बच्चों की? हम दोनों में से एक को उठा ले, यही एक उपाय है। क्या बोल रही है तू? तुझे तेरे बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? और तुझे मेरी कसम है आज के बाद ऐसी कोई बात की है तो? हम सब साथ हैं ना, यही तो हमारे लिए खास है। चिंता मत कर। यह सूचना मिस अंजलि प्रधान के लिए है। मिस अंजलि प्रधान, जहां कहीं भी हो, वार्ड नंबर 7 में पहुंचिए। आई रिपीट, वार्ड नंबर 7 में पहुंचिए। इट्स एन इमरजेंसी, कम फास्ट। कहे पापा, अच्छी ठीक तो है ना? अब सुबह मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? कहे नहीं, बस अभी आती हूँ। बेटा उम्र क्या है तुम्हारी? हाँ जी अंकल। मैंने पूछा उम्र क्या है तुम्हारी? 25 साल अंकल। अच्छा अंकल, मैं भी आता हूँ, आप यहाँ पे आराम करिए। कितना कमा लेते हो महीने का? ओ अंकल, ठीक ठाक ही कमा लेता हूँ। घर, मेरा कहने का मतलब है कि परिवार में और कौन कौन है? मम्मी पापा अंकल, बस। जी अंकल। बाकी तुम्हारा अपना कोई क्लिनिक नहीं है? क्लिनिक नहीं अंकल, मेरा कोई क्लिनिक नहीं है। बाहर कोई चक्कर तुम्हारा कुछ किसी के साथ? नहीं नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। और सॉरी अंकल, मेरे अभी राउंड का टाइम हो गया हॉस्पिटल। अच्छा, में तो आप बैठिए आराम से वहां पे। जी चलिए। अरे अंकल, आप नंगे पांव हैं, आपने चप्पल क्यों नहीं पहना है? अरे वो एक्चुअली मैं भूल गया। आप आराम करिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है अंकल। जी ओके। ये तो परफेक्ट मैच है अंजलि के। शुभ का मैं देरी क्यों? अभी पूछ लेता हूँ। यहाँ तो कोई है ही नहीं, क्या इमरजेंसी हो सकती है?
थोड़ी देर रुक कर देखती हूँ। हम क्या देख रहे हैं ध्रुव? भाई इमेजिन करो कि हम कश्मीर की वादियों में हैं और हमारे चारों तरफ फूल ही फूल बिछे हुए हैं। इन फूलों की खुशबू हवा में घुलकर आपकी सांसों को महका रही है। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पर यहाँ तो सिर्फ दवाइयों की स्मेल आ रही ध्रुव। अरे ब्रो फील करो, अब अंदर जाओ, टाइल से बैठो और अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, अंजलि जैसे यहाँ लोग अपनी बीमारी की दवाई ढूंढने के लिए आते हैं, वैसे ही मैं भी यहाँ अपने बीमार दिल का इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। अपने मुस्कान की ऑक्सीजन से मेरे अंदर जान भर दो, एक बार मुझे प्यार से देख लो जिससे कि इस जख्मी दिल की मरहम पट्टी हो जाए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।